हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर एक और न्यू भर्ती का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फॉरम शुरू है, फॉरम अप्लाई है। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो अभी भी इस फॉरम की लास्ट डेट नहीं हुई है। 32,000 रुपए आपको प्रति महीना सैलरी इसमें मिलने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीजें बता दी गई है। केवल 12वीं पास 10वीं पास अगर आपने रखिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप हरियाणा से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, रोहतक, जींद, अंबाला, झज्जर, रेवाड़ी, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, आप किसी भी जिले से पूरे हरियाणा से अगर बिलोंग करते हैं बिल्कुल आराम से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परंतु मेरे भाई और मेरी बहनें, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई एक्स सर्विस मैन है, अगर आपके फादर है, आपके अंकल जी है, आपके भाई है, कोई भी है जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर अपना काम कर रखा है, उसके बाद में वो एक सर्विसमैन है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। उनको नौकरी बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी। दोबारा से 32,000 रुपए आपको हेड क्वार्टर के अंदर काम करना पड़ेगा। 32,000 रुपए आपको सैलरी के लिए इसमें पहले साफ साफ बता रखा है कि 32,000 रुपए आपको सैलरी इसमें देने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, जो भी नए नए भर्तियों के अपडेट्स आते हैं, अगर आपको सबसे पहले हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे भाई और मेरी बहनें सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखे। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, जो भी नौकरियां होंगे, कंटिन्यू आपको हर एक भर्ती की जानकारी मिलेगी। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें आपको पूछनी हो, कभी भी मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम पर अगर आप मैसेज करते हैं तो भी हम रिप्लाई करते हैं। तो हमेशा आपको हर जगह की सपोर्ट मिलेगी। हर जगह आपको जो भी चीजें पूछनी हो बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। तो आइए हरियाणा के अंदर जो 32,000 रुपए सैलरी देकर जो नौकरी आ रखी है उसके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं कि हेड क्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका अंबाला के अंदर है। आपको पता है कि अंबाला के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है। पोस्ट का नाम रहेगा आपका गेटमैन के पोस्ट आ रखी है। टोटल वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन सुन है, इसमें साफ साफ ये चीजें नहीं बताई गई कि हमें कितने बंदों की जरूरत है। सैलरी आपको 32,000 रुपए दिया जाएगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इस भर्ती का जो लास्ट डेट है 7 मई 2024 रहने वाला है। 7 मई तक जो अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएगा बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपका आप जो फोरम अगर आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगा। इस भर्ती के अंदर कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे कंटिन्यू आपको पता चल जाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में रहेगी और इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट रहती है indianarmy.nic.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप सारी की सारी चीजें चेक करेंगे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इस भर्ती के आगे मैं आपको बताना चाहूंगा जो भर्ती की जो फीस वगैरह रहती है, हर कैटेगरी के अंदर 0 रुपए आपकी फीस लगेगी, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। और हरियाणा के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी इलेक्शन के बाद हम न्यू भर्तियां निकल कर आएंगे, सबसे पहले अगर आपको रिक्रूटमेंट के हर एक नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू अगर आपको चाहिए, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, आपको हर एक जानकारी समय समय पर मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे भाई और मेरी बहनें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इस भर्ती के आगे हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स की। 14 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुका था जिसके अंदर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। इस भर्ती के अंदर आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा किसी भी प्रकार का। अगर आपको लगना है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देकर आना पड़ेगा। 7 मई का आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। 7 मई को आपको इंटरव्यू देने किस स्थान पर जाना पड़ेगा, कौन सी जगह पर जाना पड़ेगा, वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। रिजल्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, अभी अपडेट सुन है, कोई भी रिजल्ट डेट फिक्स नहीं हुई है, केवल इंटरव्यू डेट फिक्स हुई है कि 7 मई को आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी गेटमैन लगना चाहते हैं अंबाला के अंदर उनको पहुंचना पड़ेगा, अंबाला के अंदर ही उनका हेड ऑफिस है, तो वहीं पर ही आपका इंटरव्यू होगा 7 मई को। जिसके अंदर आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 54 साल तक के जो भी स्टूडेंट है सभी जाके वहां पर रिश्ता ले सकते हैं। अगर एज में भी आपको छूट चाहिए तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रूल रिलेक्सेशन दिया जाता है, वो आपको इसमें दे दिया जाएगा।
जाएगा और इसके अंदर जो पोस्टें रहेंगी वो किस प्रकार की रहेंगे। क्वालिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, 10वीं पास प्लस में एक सर्विसमैन मांग रखा है, गेटमैन की पोस्टें रहेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके फादर साहब हैं, आपके अंकल जी, आपके ब्रदर है, कोई भी एक सर्विसमैन है, जो आपकी बहन भी हो सकती है, अगर वो भी अपना लगना चाहती है तो बिल्कुल आराम से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए अच्छी जॉब आ रखी है, 10वीं पास मांग रखा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको 32,000 रुपए पर सैलरी के मंथ के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपकी जगह कौन सी रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन के लिए आपका डायरेक्ट तो इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इस भर्ती के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। फॉर्म तो अप्लाई करने का मतलब है कि 7 मई को पहुंच जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर 7 मई को आपको किस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा, ये आपका एप्लीकेशन जो डाल रखा है इंटरव्यू शेड्यूल ये वाला रहने वाला है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर PH&HP अंबाला कैंट 133001 हरियाणा, इस एड्रेस पर आपका एंट्री होने वाला है। अंबाला कैंट के अंदर आपका एंट्री होगा, 7 मई को आपका एंट्री होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन पा रहे हैं उनके आसपास के सर्किल के अंदर जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको ये सूचना आप दे सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी नौकरी मिल सकती है। तो आने वाले भर्तियों के हर एक नोटिफिकेशन जो भी आएंगे कंटिन्यू आपको पता चल जाएंगे। और सुपर PN और क्लर्क की भर्तियों के लेकर कुछ मैसेजों के अपडेट्स आए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। अगर आपका स्कोर कितना जुड़ पा रहा है, अगर आपका अच्छा खासा स्कोर जुड़ पा रहा है, 50-55 नंबर भी जुड़ पा रहे हैं, तो इससे अगली वाली जो वीडियो आने वाली है उसको आप एक बार जरूर देखना कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर सिलेक्शन किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या न्यू नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आपको एक एक अपडेट्स की एक एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो भाई गुरु बहनों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, जाते जाते प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर कर जाना। जो भी आप कॉमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और मैं सबके कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम पर जो मैसेज करेगा हम उसके भी रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आपको स्वयं स्वयं पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।